हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में जो है ये हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं स्किन टोन्स को मिक्स करने वाला हूँ इस वीडियो में, और आपको दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से एक बार में कितने ऑयल को हमें एक बार में मिक्स करना चाहिए, क्योंकि ऑयल पेंटिंग है और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगे, हाइपर रियलिस्टिक भी है। तो हमें जो क्वान्टिटी जो कितनी रखनी है एक बार में कलर को मिक्स करने की, सो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सबसे पहले मैं ले लिया हूँ पैलेट नाइफ को, एंड यहाँ पे मैं कलर प्लेट भी ले चुका हूँ, और मैं इसी पे जो है मिक्स करने वाला हूँ। और ये मेरे पास पुराना एक ग्लास पड़ा हुआ था जो कि फ्रेम था, वो टूट चुका था, तो मैं उसका ग्लास जो है ये यूज़ कर रहा हूँ, और इसी पे जो है सारे कलर में मिक्स करूँगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ऑरेंज और वाइट कलर, जो कि है 120 ml कैमलिन के हैं सारे के सारे कलर, और बाकी के मैं ये वाले कलर यूज़ करने वाला हूँ जो कि सबसे छोटे हैं, और रेफरेंस जो है ये वाला है, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहे हैं, बट इतनी डार्क नहीं है, थोड़े लाइट इसके कलर हैं। तो वही सारे जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन जो है ये है, जिसमें कि रेड भी है साथ ही में, और यहाँ पे भी इसी तरीके से कलर है, तो इस सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे, और इससे और भी ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा ब्राउन यूज़ करके हम कर लेंगे। तो ये रेड भी मैं निकाल लेता हूँ एक प्लेट पर, मैं अलग से ये निकालते जा रहा हूँ सारे के सारे कलर, और ऑरेंज को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो हमें जितना जो है क्वांटिटी चाहिए तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सारा निकाल रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लास्ट में भी निकाल सकते हैं। मैं जो ये सबसे कम कम कलर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इससे, क्योंकि हम बार बार इसको बनाएंगे और हाइपर रियलिस्टिक है, तो उसमें हम एक साथ कलर इतना बना भी नहीं सकते क्योंकि वो सारा का सारा कलर फिर सूख जाएगा, क्योंकि 1 से 2 महीने लग जाएगा मेरे को इस पेंटिंग को करते करते। तो सबसे पहले मैं ये जो है येल्लो कलर ले लिया हूँ, येल्लो ओकर, और साथ ही साथ में मैं थोड़ा सा ब्राउन भी लिया हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों कलर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको मिक्स जो है मैं अच्छे से ही कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे अगर रह जाता है तो बहुत बेकार जो कलर बनेगा हमारा। तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको जो है मैंने मिक्स करने के बाद जो है सीधा मैं प्लेट पे इसको रख लेता हूँ अलग से। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लाइट कलर बनाना है, तो मैं वापस से वही पूरा सेम प्रोसेस रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा हम वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा रेड भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने रेड लिया है, तो रेड को मिक्स करके जो है हमें थोड़ा सा जो डार्क एरिया से थोड़ा बाहर आ की साइड जो आएगा उसके लिए हमें ये बन गया ये वाला कलर, और फिर मैंने जो है ब्राउन कलर लिया, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज भी लिया है, और उसी के साथ मैंने इसमें रेड भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो अब हमारा ये कलर बन चुका है। अब थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट, व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे, तो ये थोड़ा सा हमारा जो है हो जाएगा लाइट। तो ये लेयर वाइज हमको करना है सारे के सारे कलर, तो ये हमारे बिल्कुल लाइन से सारे के सारे कलर बन रहे हैं। तो हमारा ये वाला तो कलर बन के रेडी हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा इससे और ब्राइट जो कलर चाहिए लाइट में, तो हम उसमें जो है थोड़ा सा येल्लो का भी शेड आएगा उसमें, और थोड़ा सा ऑरेंज का भी, तो उसी को मैंने थोड़ा जो अभी बनाया है उसी में मैं थोड़ा सा वाइट यूज़ करूँगा, जिससे कि थोड़ा सा और लाइट हो जाए कलर। और फिर उसमें जो भी सेट डालना होगा हम उसको फिर से डालेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये जो हमारा स्किन कलर हो चुका है, जो कि नॉर्मल हमें मिलता है, बट ये ऑयल्स कलर में हमें नहीं आता है, नॉर्मल पेंसिल कलर में हमें जो आता है कलर वो वाला स्किन कलर है ये पूरा। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने रेड भी लिया है। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है इतना सा कलर। तो इसको हमें काफ़ी कम चाहिए क्योंकि ये हमें बार बार बनाना पड़ेगा, और इससे अगर बार बार बनाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो हम आगे जाके हमें जो है कलर को मैच करके नहीं देखना होता, हम सीधा कलर को उठाते हैं और सीधा सेट बना देते हैं जो भी हमें कलर टोन्स को चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ कर इसी तरीके से यूज़ करेंगे कि बार बार जो है आप कलर जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अभी मैंने जो वाला कलर बनाया उसी में फिर से मैंने जो थोड़ा सा वाइट यूज़ किया है, और वाइट को यूज़ करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ कर रहा हूँ येल्लो, और अभी भी जो है मुझे अभी तक वो वाला सेट नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं जो इसमें थोड़ा सा येलो ब्राइट वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और मैं रेड यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि अभी भी वो सेट नहीं आ रहा है रेड, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज भी यूज़ कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे पोर्ट्रेट में है हमें वही कलर चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको भी मैं साइड में प्लेट पे रख देता हूँ, और इसको जो है
हमें कम ही बना के रखना है। और सारे के सारे हमने सेट यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, बस एक सेट और रह चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और हमें जो है तो इस वाले में जो है थोड़ा सा हमें ऑरेंज का सेट चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज ले लिया हूँ यहाँ पे। और हम जो है इसको थोड़ा सा लाइट करने के थोड़ा सा मैंने और वाइट ले लिया है इसको। तो ये भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, जो कि अभी स्क्रीन कलर जो बनाया था उससे थोड़ा सा और लाइट है, बट ये कैमरे में इतना ज़्यादा साफ से नहीं दिख रहा है कितना ज़्यादा लाइट है। सो इन सारे कलर्स को मैंने करीब करीब 6 जो है स्किन टोन्स जो है बनाए हैं। और मैं इसको आपको इस वीडियो में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा पेंटिंग पे, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो पेंटिंग जो है काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक बनाने वाला हूं, और बाकी का मैं इसको पार्ट में ही आपको दिखा पाऊंगा। सो ये हमारे 6 के 6 जो कलर बन के रेडी हो चुके हैं स्किन टोन्स। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।